सोलन में एक मामला उस समय प्रकाश में आया जब एक शिकायतकर्ता जिला पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक पुलिसकर्मी की ही शिकायत लेकर पहुंच गया। शिकायतकर्ता ने रोते बिलखते हुए पुलिसकर्मी पर कई संगीन आरोप लगाए हैं और रोते हुए बताया है कि उसने अपनी बेटी के लापता होने की खबर पुलिस चौकी में लिखवाई थी और जिस दिन से रिपोर्ट दर्ज करवाई पुलिस जांच अधिकारी उन्हें और उनके परिवार को ही मानसिक रूप से परेशान करने लग गया। यहां तक कि उनकी बेटियों को भी उनके ससुराल में फोन करके संपर्क साधकर उन्हें भी मानसिक रूप से परेशान कर रहा था और उनसे जांच की एवज में अप्रत्यक्ष तौर पर रिश्वत भी मांग रहा था, जिसकी वजह से वे पुलिस में शिकायत कर पछता रहे हैं। लड़की के पिता ने कहा कि एक तरफ उनकी बेटी लापता है, दूसरी ओर लड़की को ढूंढने की बजाय उनके परिवार से ही आरोपियों की तरह पूछताछ की जा रही है, उन्हें बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि ससुराल में उनकी बेटियों को भी फोन पर परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच के नाम पर पुलिसकर्मी उनसे अप्रत्यक्ष तौर पर रिश्वत मांगने की प्रयास भी कर रहा था, जो सरासर अन्याय है। इसलिए पुलिसकर्मी के विरुद्ध आज वे जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत करने आया, ताकि जहां एक ओर जनता की सेवा में तैनात पुलिसकर्मी की वास्तविकता उनके अधिकारियों को पता चले तो वहीं उन्हें भी इंसाफ मिल सके। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि शायद वे गरीब है इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। जिनों को भी जीने का हक दिया जाए, गरीबों को बड़ा मुश्किल है सर। मैं तो कई लाइक नहीं रहा इनको, ऐसे ऐसे पुलिस वालों को रखना भी नहीं चाहिए सर। मैं तो ये सोचता हूँ पता नहीं कितने लोग कैसे दुखी होते हैं, ऐसे ऐसे टॉर्च करते, मीठी मीठी बातें करेंगे फोन पे, जब वहां जाओ तो वहां बोलने नहीं देते। इतनी बेइज्जती करी मेरी, 60 साल की उम्र में मेरे ये हाल करके, मेरे परिवार को तंग कर रखा, मेरी बेटियों को तंग कर रखा, जिनकी शादी हो गई ना आगे उनको भी बुलाते बुलाओ, हमें को आरोपी क्यों बनाया, मेरी नहीं बेटी भागी सर। बस ये गुहार है मेरी SP साहब से कि वो मेरे इस केस पर ध्यान दे, और यानी 4-4 घंटे अंदर कुंडी लगा के बंद करके रखा है ना, फिर बोलते हैं बैठने के पैसे लगते हैं, है ना, ऐसे नहीं, अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे पर न्याय नहीं मिलेगा। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने फिलहाल पिता की शिकायत पर पुलिस जांच अधिकारी को बदल दिया है और शिकायत की जांच का जिम्मा ASP को सौंप दिया है। गौरतलब है कि इस घटना से साबित होता है कि ठियोग में हुए मामले के बाद पुलिस पर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस अपनी छवि सुधारने का लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ पुलिसकर्मियों के कारण पुलिस अपनी छवि सुधारने में कामयाब नहीं हो पाई है और अभी तक गरीब लोगों को न्याय से दूर रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है। 8 तारीख को एक मिसिंग रिपोर्ट पड़ी थी जिसमें 2 फैमिलीज की तरफ से रिपोर्ट थी, एक तरफ से एक लड़की मिसिंग थी और एक तरफ से एक लड़का मिसिंग था, दोनों मेजर हैं। कहीं ना कहीं जो फैमिली मेंबर लड़की के हैं वो सेटिस्फाइड नहीं थे IO की इन्वेस्टिगेशन से, तो IO को चेंज कर दिया गया है और इसमें एडिशनल SP उनको डायरेक्शन दिए कि वो स्वयं इस केस को मॉनिटर करें।